हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक आईटीआई होल्डर को, एक बीटेक वाले बच्चे को और एक डिप्लोमा वाले बच्चे को और साथ ही साथ एक एमटेक वाले बच्चे को कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए जिसके थ्रू वो इजली एक अच्छी जॉब पा सके। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईटीआई से, तो अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो सिविल ड्राफ्टमैन से आईटीआई कर रहे होगे, तो अगर सिविल ड्राफ्टमैन से आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर में आपको पूरी पकड़ बनानी चाहिए, दैट सॉफ्टवेयर इज ऑटोकैड। व्हाई ऑटोकैड? बिकॉज होल ड्राफ्टिंग आज के टाइम में हम लोग किसमें कर रहे हैं? ऑटोकैड के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल किया था और कॉल करके बोला कि सर, मैं डिप्लोमा किया हूं, क्या मुझे स्टैट प्रो ईटैप करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपने ऑटोकैड सीख रखा है, तो आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो स्केचअप या रैबिट होना चाहिए। स्केचअप या रैबिट होना चाहिए। आप बोलोगे सर, स्केचअप या रैबिट दो में से कौन सा करो, मतलब आप क्लियर करना चाहोगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए स्केचअप ज्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम कंपनियां स्केचअप यूज कर रही हैं। अगर आपने स्केचअप सीख लिया है तब आप रैबिट को सीखो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वैसे स्केचअप बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैंने बोला कि आप इजीली सीख सकते हो। अगर आपको टफ सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो आप रैबिट पे जाओ। रैबिट आर्किटेक्चर अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको जॉब लग जाएगी। अब आईटीआई वाला बच्चा सोच रहा होगा कि मुझे क्या पैकेज मिलेगा एक आईटीआई कंप्लीट करने के बाद और ऑटोकैड का कोर्स करने के बाद। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आईटीआई करने के बाद और ऑटोकैड करने के बाद आप 8 to 12,000, 8 से 12,000 के बीच में स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर को। ये मत सोचो कि आपका करियर 15 से स्टार्ट होगा या उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, नहीं। हो सकता है आपको 8 से 10,000 मिल रहा हो और 10,000 में आपको लग रहा हो कि मैं 10,000 की जॉब क्यों करूंगा। मेरे भाई, आपने अभी केवल ऑटोकैड को सीखा है, हमारे कुछ वीडियोस देख के या किसी और के कुछ वीडियोस देख के आपने ऑटोकैड सीखा है, तो आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए सिर्फ यही पैकेज स्टार्टिंग में मिलेगा, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो उस काम। अगर आपने 8 से 10,000 से स्टार्ट कर लिया, तो मुश्किल से 6 महीने के बाद आप 12 to 15,000 के बीच में आप खेलने लगोगे। दूसरा, जो मैंने डिप्लोमा वालों को नहीं बोला, अगर डिप्लोमा करके आपने रैबिट या स्केचअप सॉफ्टवेयर सीख लिया है, टफ सीखना है तो रैबिट सीखो, इजी सीखना है तो स्केचअप सीखो। अगर आपने सीख लिया है तो आप इजिली बहुत ही आराम तरीके से, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सा स्किल होना चाहिए जॉब लेने के लिए, अगर आपने पोर्टफोलियो वगैरह पे अच्छे से काम कर लिया, तो आप आराम से 12 to 15 के बीच में जॉब पा सकते हो। 12 to 15 के बीच में जॉब पा सकते हो। आपको ईटैप्स या स्टैट प्रो के पीछे मत भागो क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है। हाँ, अगर आपका प्लान है कि आगे मुझे हायर स्टडी पे जाना है, हायर स्टडी इन द सेंस बीटेक करना है, एमटेक करना है, तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हो स्टैट प्रो या ईटैप्स के लिए। बट आप सोच रहे हो कि मुझे अभी मॉडलिंग करना है, अभी मुझे बीटेक या एमटेक नहीं करना है, तो प्लीज आप स्केचअप या रैबिट सीखो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप लोगों ने कॉल किया था, तो मैंने सोचा कि इसको रिप्लाई भी कर देता हूँ आपको। तो आपका इसमें जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 12 टू 15 के बीच बनेगा। अब वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा गया और सामने वाली कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आपकी सैलरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम बीटेक वालों के लिए या बीई वालों के लिए, जिन्होंने बीटेक या बीई कर रखा है, उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उनको सीखना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो सकता है, दैट इज स्टैट प्रो या ईटैप्स। आप बोलोगे सर, स्टैट प्रो करूं या ईटैप्स करूं? तो अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज लेना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ईटैप्स। क्या है ईटैप्स? और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टील स्ट्रक्चर में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाओ स्टैट प्रो के अंदर। किसके अंदर जाओ? स्टैट प्रो के अंदर। दोनों में ग्रोथ सिमिलर है, बट स्टील के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर स्टैट प्रो को माना जाता है और कंक्रीट के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर ईटैप्स को माना जाता है। तो आई थिंक ईटैप आपके लिए बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू स्टैट प्रो।
तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके बीटेक लेवल पे और एमटेक लेवल, बीटेक और बी लेवल पे बहुत ही बेहतरीन है। इनमें जो आपका सैलरी का ग्रोथ हो सकता है वो हो सकता है 15-20 के बीच में। अगर आप ने परफॉर्म ज्यादा अच्छे से नहीं किया तो मिनिमम 15 मिल जाएगा, अगर अच्छे से किया तो 18-20 के बीच में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर देखो इसमें अभी बीटेक लेवल पे और भी सॉफ्टवेयर है जैसे कि एमएसपी है, प्राइमेरा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में। दोस्तों लास्ट में आता है एमटेक। एमटेक में आप ये देखो कि आप किस चीज के एक्सपर्टीज पे आपने एमटेक किया है। अगर आपने स्ट्रक्चर में एमटेक किया है तो प्लीज आप किस में जाइए, आप जाइए ईटैप्स और सेफ सॉफ्टवेयर पे। ईटैप और सेफ दोनों सॉफ्टवेयर आपको साथ में सीखना पड़ेगा, ये आपके करियर को बहुत ही अच्छे तरीके से बूम पे लेके जाएगा। और इसमें आप 20 to 25 में मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ से आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ा है और ईटैप्स और सेफ को भी अच्छे से। दोस्तों अगर आपने एमटेक किया है, एमटेक जिस चीज में एक्सपर्ट हो, अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग में किए हो, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट में किए हो, तो प्लीज आप एमएसपी या प्राइमेरा सीखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। बट अगर आपने स्ट्रक्चर में किया है तो आपको ईटैप्स और सेफ सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके करियर को बूम पे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बहुत अच्छे और अच्छा करना है आपको स्ट्रक्चर लेवल पे, तो आप SAP 2000 सीखिए, उससे बेहतरीन कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं। हाँ, ये तो रहा सॉफ्टवेयर जो मैंने कुछ बताया आपको। अगर आप किसी MNC में जाते हो तो ये पैकेज आपका 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ऐड रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। MNC में आपका सिलेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए करियर आपका जो स्टार्ट होगा वो मिड लेवल कंपनी से ज्यादा होगा, मुझे जो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका लकली लग रहा है किसी MNC में तो डेफिनेटली आप ज्यादा सैलरी लोगे, बट ये मिड लेवल कंपनीज के कुछ सैलरीज हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको करना चाहिए, करके आपका सैलरी का ग्रोथ हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं संडे को ऑनलाइन आने वाला हूँ, हाँ जी, अब मैंने क्लियर कर लिया कि मैं संडे को ऑनलाइन आने वाला हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके लिए बहुत ही जल्दी कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डाल दूंगा और पोस्ट डालकर आपको बता दूंगा। किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर चाहिए या बुक्स स्टडी मटेरियल चाहिए, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे हर घंटे कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल हम देते रहते हैं, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही जल्दी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ जिस ग्रुप में आप सबको कनेक्ट करूंगा और दिन भर उसमें क्वेश्चन आंसर हम एक दूसरे से कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए था कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, जिससे कि जो भी हमारे वीडियोस आए ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों की अच्छे से जॉब लग सके और उनका ग्रोथ हो सके। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बनाना काफी हद तक सफल रहेगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।